नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्वप्निल वेल्थ मंत्रा में। आज मैं बात करने वाला हूँ अंतरिम बजट की, जो हाल ही में 1 फरवरी को लाया गया है माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा, जो अभी कार्यवाहक वित्त मंत्री है उनके द्वारा ये बजट लाया गया। और ये बजट एक अंतरिम बजट था। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंतरिम बजट आम बजट से अलग क्यों होता है। आम बजट जो लाया जाता है वो अगले वित्तीय पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लाया जाता है, जिसे हम पूर्ण बजट भी कह सकते हैं। लेकिन अंतरिम बजट पूर्ण बजट नहीं होता है, ये थोड़े टाइम के लिए लाया जाता है। इसमें कई फैसले जो सीमित लिए जाते हैं। 2019-20 का जो अंतरिम बजट है, सरकार ने काफ़ी अच्छा इस बजट को पेश किया है। मैं तो कहूँ उसको अगर नंबर दिए जाए 100 में से, तो हम 90 नंबर इसमें दे सकते हैं। सबसे मेन बात जो है, इसमें किसानों को फ़ायदा होगा। इससे जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो भी कार्मिक हैं, छोटी मोटी कंपनियों में काम करने वाले, उनको इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहली बात जो आती है किसानों की। किसानों के लिए जो इसमें फैसला लिया गया है, साल में जो किसान 2 हेक्टेयर से कम में कृषि करते हैं उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जो 2,000 करके क्वार्टरली दिए जाएंगे। अगली बात आती है कि इसमें जो भी क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान ऋण लेता है पशुपालन के लिए, या फिर कोई भी मत्स्य पालन हुआ, इसके लिए जो भी ऋण लेता है उसको 2% की इसमें ब्याज मुक्ति दी जाएगी। और अगर वो समय पर ऋण को चुका देता है तो उसको 3% की और इसमें ब्याज में उसको मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब टोटल 5%। अगली बात आती है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए इसमें क्या रखा गया है। नौकरी पेशा के लिए तो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि 5 लाख तक की, जो भी लोग 5 लाख साल में कमाते हैं, उसको बिल्कुल कर मुक्त कर दिया गया है। तो इसमें ये बहुत बड़ा जो फैसला लिया गया है नौकरी पेशा लोगों के लिए, सिर्फ इसको इसमें बहुत राहत मिलेगी और वो और अपना पैसा बचा पाएंगे। 5 लाख से ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं सैलरी, जो भी कमा रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें राहत मिल सकती है। और मैं तो कहूँ अगर 5 लाख से ऊपर 1.5 लाख रुपये कोई सेविंग कर रहा है तो 6.5 लाख की इसमें पूरी छूट है। और अगर इसमें और अगर सेविंग करना चाहे, जैसे किसी ने होम लोन लिया है, मेडिक्लेम है, तो इसमें 8 से 9 लाख तक पूरा आप बचा सकते हो। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए इसमें काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। असंगठित क्षेत्र मतलब घरेलू नौकर हुए, जैसे ड्राइवर हुए और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हुए, उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन इसमें दी जाएगी। और उसके लिए उन्हें सिर्फ 100 रुपये जमा करने हैं और उनके जो बॉस होंगे उसमें 100 रुपये वो भी जमा करेंगे, तो इससे उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई है, जिन लोगों की सैलरी 15,000 से कम है उन्हीं लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। मातृत्व अवकाश को इसमें 26 हफ्ते के लिए कर दिया गया है, एक फैसला और सरकार द्वारा लिया गया है। FD RD जो आप लोग करते हैं उसमें साल में अगर 10,000 रुपये से ऊपर आपका आपको ब्याज मिलता है तो उसमें आपका TDS कटता है, लेकिन इसमें 10,000 की जो सीमा है उसको 40,000 रुपये कर दिया गया है। अगला जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, अगर आप लोगों ने कोई अपना मकान किराए पे दिया है तो आप लोग जो पहले सीमा थी उसमें TDS कटने की, वो थी 1,80,000, जिसको बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे मिडिल क्लास लोगों की आय काफ़ी और अच्छी हो जाएगी। अगली बात आती है कि आयकर रहित जो ग्रेजुएटी की सीमा है उसको 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। उज्ज्वला जो योजना है उसके तहत जो गैस सिलेंडर बांटे गए हैं उसके लिए 2 करोड़ रुपये का ऐलान कर दिया गया है। अगला जो फैसला सरकार ने लाया है वो बहुत अच्छा फैसला है, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनका जो मानदेय है इसमें 50% की वृद्धि कर दी गई है। अगली बात आती है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आप इनकम टैक्स में कटाते थे 40,000 रुपये, उसको बढ़ा के इसमें 50,000 कर दिया गया, जो एक और अच्छा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, जिन लोगों का PF कटता है उसकी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको 6 लाख का इसमें मुआवजा दिया जा रहा है। एक और फैसला सरकार ने उन लोगों को जिनका दूसरा घर है और उससे वो किराया कमा रहे हैं तो उन लोगों को पूरी तरीके से टैक्स से मुक्त कर दिया है। ये कुछ फैसले जो अंतरिम बजट में लिए गए सरकार द्वारा बहुत अच्छे लिए गए। सिर्फ किसानों के लिए अगर मैं अपनी राय दूंगा तो किसानों को जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं उसको बढ़ाया जा सकता था, सिवाय इसके कि उनकी कर्ज माफ़ी हो रही है, इसके अलावा उनका अगर 6,000 रुपये और बढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आप लोगों को जानने अति आवश्यक थे।
अगले मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको टैक्स सेविंग के टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप टैक्स सेव कर सकते हो। अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इस बार का जो वित्तीय वर्ष है वो खत्म होने वाला है, तो इस तरह के हमारे चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। स्वप्निल वेल्थ मंत्रा।